इस कोरोना का तो मुझे पता नहीं, पर जिस हिसाब से मैं 2 महीने से मोबाइल लगातार चला रहा हूँ, लगता है कि अंधा हो जाऊंगा या फिर आंख में मोतियाबिंद होने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है इस टाइम। नमस्कार मेरे दोस्तों और मेरी दोस्तियों, मेरे दुश्मनों और मेरी दुश्मनियों, मेरे फ्रेंडस और मेरी सभी की सभी फ्रेंडसाओं, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आज के एक हीरो होंडा सुपर स्प्लेंडर बुलेट ट्रेन के बिल्कुल ताज़ा लल्लन टॉप टाइप की वीडियो में। तो आज सुबह जैसे ही मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो उसमें देखा कि टाउन हॉल 2 का एक बंदा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। ये बात जूडो स्लोथ पत्रकार ने बिल्कुल ही अच्छे तरीके से लिखी हुई थी। मैं सोचा भाई साहब ये कैसे हो सकता है, इस टाइम तो अभी हम लोगों का लो टाउन हॉल पर डोनेशन भी मैक्स नहीं मिल पा रहा है, तो आखिरकार वो बंदा टाउन हॉल 2 से वर्ल्ड रिकॉर्ड कैसे बना दिया। मुझे तो ये बात पहले थोड़ी सी गलत लगी, मुझे लगा ये चीज फेक है, बट उसके बाद मैं खुद उस बंदे को सर्च किया, उस बंदे के क्लैन में गया और उसी के साथ उस बंदे से कुछ अटैक वटैक रिप्ले उप्ले भी बोला, भैया शेयर कर दो, दिखा देंगे सभी लोगों को तुम्हारा अटैक। तो उस बंदे ने शेयर भी किया। तो अब इस टाइम जिस क्लैन में मैं नाग की तरह विराजमान होकर के बैठा हुआ हूँ, यहीं पर वो वाला बंदा भी है। ये रही आईडी अपनी, अब तो वो वाले बंदा की आईडी कहाँ चली गई, कौन सी आईडी थी, ऊपर नीचे नहीं, थोड़ा ऊपर उसकी ट्रॉफी है 2939, ये वाली रही आईडी भाई साहब की, SPOUTS2 कुछ भी नाम है, स्पॉन स्पून कुछ भी नाम है, जो भी है बहुत ही अच्छा नाम है। और ये भाई साहब अपने ऑल टाइम बेस्ट ATV पर बैठे हुए हैं 2939। तो ये जो ट्रॉफी इतना ज़्यादा पुश किया गया है, ये एक बहुत ही बड़ी बात है। बड़ी बात इसलिए है क्योंकि इस टाइम लो टाउन हॉल के बंदे मैक्स ट्रूप्स नहीं ले सकते हैं, और अगर ये भाई साहब या फिर बहन जी या फिर जो भी हैं उनके बेस को विजिट किया जाए तो इनका बढ़िया सा बेस ये रहा टाउन हॉल 2 का। बढ़िया सा क्या भाई साहब, ये जैसा भी है तैसा भी है, इसमें बढ़िया क्या सेट करेंगे, सब कुछ नॉर्मल सा ही है। क्लैन काशल भी है। अब काफ़ी लोगों का यहाँ पर सवाल होगा कि क्लैन काशल आखिरकार इस टाउन हॉल 2 पर कैसे आ गया, और इसके पहले वाले भी एक वीडियो में टाउन हॉल 2 का मैं एक बंदा दिखाया था आप लोगों को जिसका वॉर स्टार 3000+ था, तो उसमें भी बंदों ने पूछा था कि आखिरकार टाउन हॉल 2 पर क्लैन काशल कैसे आ गया जिससे इस बंदे ने वॉर खेल लिया। तो देखो भाई साहब बहुत ही सिंपल सी बात है, टाउन हॉल 2 पर अगर आप भी क्लैन काशल क्रिएट करना चाहते हैं तो जो हम लोगों का एक इवेंट आया था अभी कुछ दिन पहले, हैमर जैम इवेंट, जिसको मैं बुलाता हूँ हैमरवा जैमरवा इवेंट। अब इस हैमरवा जैमरवा इवेंट में हर एक बिल्डिंग्स का प्राइस जो है वो 50% कम कर दिया गया था। तो बिल्कुल इसी हैमर जैम इवेंट के टाइम पर जो बंदे टाउन हॉल 2 पर थे वो लोग क्लैन काशल क्रिएट कर सकते थे। क्यों? क्योंकि वहां पर भाई साहब 50% ऑफ चल रहा था। तो 50% ऑफ का इस बंदे ने तगड़ा मजा उठा लिया और यहाँ पर इस बंदे ने क्लैन काशल को क्रिएट कर लिया टाउन हॉल 2 पर ही। और जैसे ही क्लैन काशल को क्रिएट किया उसके बाद यहाँ पर हो रही है बारिश, आप लोगों को बैकग्राउंड वॉइस सुनाई दे रहा होगा अगर टप टुप टप टप की, तो वही है बारिश की आवाज़ और किसी भी चीज़ की आवाज़ नहीं है, गलत मत समझ लीजिएगा भाई साहब। इस बंदे को टाउन हॉल 2 पर ही क्लैन काशल मिल गया था तो इस बंदे ने पुशिंग स्टार्ट कर दिया। अब देखो भाई साहब पुशिंग तो स्टार्ट किया और जहाँ तक मुझको लगता है कि ये टाउन हॉल 2 का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। हो सकता है कि अभी भी कुछ लोग बोलेंगे ना भैया मैं नहीं मानने वाला, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं है। तो अगर आपको टाउन हॉल 2 पर इससे भी ज़्यादा ट्रॉफी वाला कोई बंदा पता है तो उस बंदे का टैग आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, उस बंदे को चेक करेंगे, फिर आप लोगों को शॉर्ट आउट के साथ उस नेक्स्ट वीडियो में दिखाया जाएगा। तो अब आज मैं चलिए आप लोगों को मैक्स टाउन हॉल 2 का अटैक रिप्ले दिखाता हूँ जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड भाई साहब ने बनाया है। मैंने बोला भैया क्या आप अपना अटैक कृपया करके शेयर कर सकते हैं, तो ये भाई साहब ने शेयर किया और ये रहा वो भाई साहब का अच्छा वाला अटैक। देख लो भाई साहब ये ऐसा कुछ बेस मिला। अब इस बेस को देखने के बाद इन भाई साहब की भी हालत ख़राब हो गई होगी कि इसके ऊपर 2 स्टार कैसे लाया जाए। तो फिलहाल इस बेस के ऊपर 2 स्टार तो नहीं आ पाया, लेकिन साइड की फनलिंग और क्लैन काशल के साथ 50% कर दिया गया, 1 स्टार आ गया। सबसे पहले भाई साहब ने साइड की फनलिंग के साथ परसेंटेज कवर किया, क्योंकि अगर ये जो क्लैन काशल अपोनेंट का है वहाँ पर छोड़ दिए तो कुछ ना कुछ ट्रूप्स पड़ा ही रहता है, ऐसे जब लो टाउन हॉल के साथ पुशिंग करते हैं तो कुछ ना कुछ रहेगा ही। फिर भाई साहब ने बिल्कुल ही सही वाला प्लान बनाया था कि साइड की हर जगह से फनलिंग ले लो,
अब ग्लेन कैसल का ट्रूप निकल गया। इसको देखने के बाद जिंदगी नरक लगने लगती है। मन तो करता है कि इस ग्लेन कैसल की ट्रूप को इसके अंदर गेम के अंदर घुस करके मार डालूं, लेकिन ऐसा कुछ कर नहीं सकते हैं तो डायरेक्ट हम लोगों को ट्रूप्स के ही साथ मारना पड़ता है। सबसे पहले ट्रूप्स को बुलाया गया खोपचे में, और खोपचे में बुला करके वहाँ पर ग्लेन कैसल का ट्रूप यूज़ किया गया, जो कि ये भाई साहब अपने पास से लेकर के गए थे। और ग्लेन कैसल में लेकर के गए थे बेबी ड्रैगन, जो हवा में उड़ता रहता है, जमीन पर चलने वाला बेबी ड्रैगन नहीं। वैसे मैं आप लोगों को अपनी भी एक कहानी बता देता हूँ कि टाउन हॉल 5 के साथ जब ये अपडेट नहीं आया था, मैं पुशिंग स्टार्ट किया था भाई। अब बहुत तगड़ी अपनी पुशिंग चल रही थी लल्लन टॉप टाइप से, बट प्रॉब्लम ये हो गई थी कि इतना ज़्यादा क्लाउडिंग मिलने लगा था, और ये जो ग्लेन कैसल का ट्रूप है, दो चीज़ों की वजह से मैं परेशान हो करके बंद कर दिया भैया पुशिंग। और उसकी ट्रॉफी जो हाईएस्ट गई थी वो 2000 गई थी, बस उसके बाद तो छोड़ ही दिया। फिर तो लो टाउन हॉल के साथ पुशिंग करना कोई भी नॉर्मल सी बात नहीं है। इतना ज़्यादा क्लाउडिंग होगा, इतना ज़्यादा इरिटेशन होगा, इन सब के बीच आप लोगों को पुशिंग करना रहेगा। घर का काम, बाहर का काम, अंदर का काम, बाहर का काम, सब कुछ काम ही काम रहता है। और ये भाई साहब ने लेते आया 50%, 2 स्टार पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वहाँ पर था जो मोर्टार रहता है, मोर्टार का बड़ा वाला गोला पड़ रहा था और उसके साथ सब कुछ गायब हो जा रहा था। तो 1 स्टार करने पर यहाँ पर प्लस हुआ है 11 ट्रॉफीज़, और इसी 11 ट्रॉफीज़ के साथ यहीं पर वीडियो होती है समाप्त। टाटा बाय बाय ख़त्म, चलिए चलता हूँ, बाय बाय। और अगर आप लोग चैनल पर आए हैं पहली बार ताज़ा बार, तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और जो साइड में बाबा जी के घंटे का बटन है उसको भी जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए चलता हूँ, बाय बाय ख़त्म, टाटा सी यू।